यूज ऑफ बी इंग्लिश ग्रामर में कब और कैसे यूज़ करते हैं उसके सीखने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं आमिर महक टीवी चैनल। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो की अपडेट हासिल करते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। यूज़ ऑफ बी के हवाले से बात करेंगे। बी का हम उर्दू में मतलब कुछ इस तरह से लेते हैं, बनना या होना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वो उदास हो रहा है, ही इज़ बीइंग सैड। बेवकूफ़ मत बनो, डोंट बी सिली। इसी तरीके से हम एक और जुमला बनाते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। छह बच्चे बनो, बी अ गुड चाइल्ड किड। तो इस तरह के सेंस में हम बी का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के अंदर हम जब बी यूज़ करते हैं तो उसके साथ आई एन जी का इजाफा किया जाता है, वो बी से बींग बन जाता है। इसके अलावा आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं अगर कोई बात समझ नहीं आती, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉमेंट करें और कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं या मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उन तमाम टॉपिक्स पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। जी पहला एग्जांपल है, ही इज़ बीइंग इमोशनल, वो जज्बाती हो रहा है। देखें बी के साथ आई एन जी का इजाफा वो किया तो वो बीइंग बन चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, दे आर बीइंग वरीड, वो परेशान हो रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कोई भी टॉपिक, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई बात समझ नहीं आती, वोकैबलरी है, कोई भी चीज़ है, वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं। हम इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनकी वीडियो बनाई जाए। ही इज़ बीइंग इमोशनल फॉर नथिंग, वो खाम खा जज्बाती हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है आपकी स्क्रीन पे, बी ब्रेव, बहादुर बनो। अच्छा इसमें आपको बताता चलूँ, ये बी ब्रेव का जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमले। बी एक्टिव, चुस्त रहो, सरगर्म रहो, तेज़ बने रहो। बी एक्टिव। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट बी सिली, बेवकूफ मत बनो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला है। और यहाँ पे डोंट मत बी बनो सिली, सिली मीन्स बेवकूफ, तो बेवकूफ मत बनो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, डोंट बी अ बेबी, बच्चे मत बनो, बच्चे मत बनो, डोंट बी अ बेबी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, डोंट बी अ लायर, झूठे मत बनो, झूठे मत बनो। डोंट बी अ लायर। आखिरी हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, डोंट बी अ चीटर, धोखेबाज मत बनो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमेंट्स में, और एक एक जुमला बना के आपने कॉमेंट में लिखना भी है। आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। वो है, डोंट बी अ चीटर, धोखेबाज मत बनो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमेंट्स में, और एक एक जुमला बना के आपने कॉमेंट में लिखना भी है। आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।